व्हाट्स अप एनिमे फैंस, कैसे हो आप सभी। बोलो जुबान केसरी। सो आज हम कवर करने वाले हैं बोर्ड एपिसोड नंबर 95। ये वाला एपिसोड हमें 94 वाले एपिसोड का बताता है, जब यहाँ पर पेरेंट्स डे था तो शारदा और सास्के क्या कर रहे थे। तो सास्के विलेज में आ चुका होता है उस टाइम पर जब पेरेंट्स डे था, जो हमने 94 एपिसोड में देखा। तो वहां पर वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो उसको बोरुटो मिलता है। बोरुटो कहता है कि सास्के आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आप भी पेरेंट्स डे के लिए आए हो। सास्के कहता है क्या मतलब ये पेरेंट्स डे है। तो बोरुटो कहता है हाँ हाँ, यहाँ पर सब अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहे हैं, और वैसे मैं भी घूमने वाला था पर पापा हिमारी के साथ घूम रहे हैं, चलो मैं चलता हूँ, मुझे ट्रेनिंग है शुरिकेन की। तो फिर यहाँ पर सास्के कहते हैं ओके ठीक है, और सास्के भी अपने ट्रेनिंग्स के बारे में सोचने लगता है जब वो अपने पापा के साथ फायरबॉल जुत्सु सीखने आया था। पर ये जब वो ये जुत्सु वो पहली बार ट्राई करता है तो वो उस जुत्सु में फेल हो जाता है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ और भला क्यों मैं तुम्हें इटाची की तरह कहूँ, तुम इटाची की तरह बिल्कुल नहीं बन सकते, और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। अगली बार सास्के खुद अपने पापा को बुलाता है और वो जुत्सु एकदम परफेक्टली करके वो दिखाता है। ये देखकर उसके पापा बहुत हैरान होते हैं और पर कुछ ना कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। सो तब उन्होंने क्या कहा था वो हम अगले सीन में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर अपने पापा के बारे में सोच रहा होता है। तो शारदा आती है और कहती है पापा आप यहाँ पर कैसे आए। तो तभी सास्के उससे कहता है आज शायद पेरेंट्स डे है और सभी अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं, चलो अपन भी घूम के आते हैं। ये देखकर शारदा खुश होती है और वो बढ़ते हैं लीफ विलेज की तरफ, जहाँ पर बाजार में वो घूम रहे होते हैं दोनों साथ में। तो यहाँ पर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पापा उसके साथ आए हैं। तो एक दुकान पर एक बच्चे और उसके पापा कैंडी ले रहे होते हैं। ये देखकर शारदा भी घर देखती है और बहुत खुश होती है। ये देखकर सास्के कहता है कि क्या तुम्हें भी एक कैंडी चाहिए। तो शारदा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो सास्के कहता है मुझे पता है तुम्हें लाल रंग पसंद है, पर शारदा कहती है कि नहीं अब रहने दीजिए आगे बढ़ते हैं। तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें वो नारुतो दिखता है। तो अब यही वो सीन है जहाँ पर उन्हें नारुतो दिखता है और पिछले एपिसोड में हमने इनको देखा था, और वो सिर्फ ऐसे खड़े हुए नारुतो को देख रहे होते हैं। और जब वो देखता है कि नारुतो के पीठ पर हिमावारी है, ये देखकर सास्के को भी अपनी बचपन याद आता है जब सास्के ट्रेनिंग के बाद इटाची के कंधे पर बैठकर घर पर लौटता था। तो सास्के कहता है कि क्या तुम्हें भी मेरे कंधे पर बैठना है, चलो आओ मैं तुम्हें बिठाकर सैर कराता हूँ। तो वो नीचे बैठ जाता है। ये देखकर शारदा को बहुत अजीब लगता है और शारदा कहती है पापा आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा, और वो वहां से भाग निकलती है। तब सास्के खड़ा होता है, सास्के कहता है अरे ये क्या हो गया। तो ये काकाशी देखता है, काकाशी कहता है अरे 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 तुम्हारी बेटी तुमसे डरकर चली गई, मैंने देखा मुझे पता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। सास्के कहता है तुम्हें क्या चाहिए, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी। तो काकाशी उसे रोकता है, कहता है कि बस करो मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम और मैं उसका हल तुम्हें दे सकता हूँ, और वैसे अपने बच्ची को संभालना मुश्किल काम है, अब उसे संभालने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, वो ये बुक है। इस बुक का नाम है प्यार की साखियां, और इस बुक में तुम सीखोगे अच्छे से बात करने के एक से एक तरीके। ओके ठीक है अब मैं मेरी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सास्के अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे शिनो अबिरो में मिलता है। शिनो सास्के को देखकर अपने कुरामा डाई को पीछे छुपाता है। जब वो सास्के के सामने आता है तो शिनो कहता है सास्के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सास्के कहता कुछ नहीं, मेरी बेटी कैसी करती है क्लास में। तो वो कहता हाँ वैसे तो वो एक ऊंची हाई है तो अच्छा ही करेगी ना, और वैसे वो अपने टीम के साथ अच्छे मिशंस करती है, और हाल ही में उसने एक बड़ा मिशन किया था जिसमें वो पास भी हुए थे, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो सास्के उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत सड़े हुए कीड़े हैं जो परेशान कर रहे हैं बार बार। तो शिनो को गुस्सा आता है, वो कहता है कोई कीड़ा सड़ा हुआ नहीं होता, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कहने के बाद सास्के पतली गली से वहां से निकल लेता है। सास्के शारदा के सामने आता है, शारदा कहती माफ करना। तो अब सास्के काकाशी की दी हुई टिप्स को याद करता है। तो उससे काकाशी ने कहा था कि तुम बहुत रूडली बात करते हो सबसे, अब मुझे पता है तुम एक उचिहा हो और तुम नारुतो से मुझे पता कैसे बात करते हो क्योंकि बचपन में मैं देखता था। तुमसे कहते थे हे लूजर क्या कर रहे हो बेवकूफ, और ऐसे ही बात तुम और सब बाकी लोगों से करते हो। तो तुम्हें उसे ऐसा नहीं कहना है, तुम्हें उसे कहना है हे मूंगफली। पापा ये आप क्या कर रहे हो, मैं एक मूंगफली नहीं हूँ। हाँ पर मुझे लगा ये नाम अच्छा है इसलिए तुम्हें मैंने कहा। पर आपने ये ऐसा क्यों कहा, मैं बिल्कुल मूंगफली नहीं हूँ, तुम्हें आपको मुझे शारदा कहना चाहिए, क्या आप मेरा नाम भूल गए थे, बताइए मुझे ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं मुझे तुम्हारा नाम याद है। तो सास्के को उसकी दूसरी टिप याद आती है। काकाशी कहता है कि तुम्हें बाकियों की तरह अपने बेटी का भी ख्याल रखना चाहिए, उसका बहुत केयर करना चाहिए कि तुम्हारी बेटी को लगे वाह पापा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं जैसे साकुरा को तुमसे लगता था। उसके बाद तुम्हें उससे अपने कोट से ढक लेना है।
तो सास्के बिल्कुल वही करता है। सारदा कहती है, बैड आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, ये लो आपका कोट आपके पास रखो, और मुझे लगता है आप कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं, मुझे आपके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं पापा, और वो वहाँ से चली जाती है। शाम को जब प्रैक्टिस कर रही होती है वो कुनाई की प्रैक्टिस करती है और वो अपने एक निशाने पर लगाने की कोशिश करती है पर उससे नहीं होता। सास्के भी काकाशी के साथ होता है। सास्के क्या होता है, ए काकाशी दे तेरी बुक कहाँ पर है, मैं जल्दी से उसे कुचलना चाहता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। काकाशी कहता है, नहीं बच्चे गुस्सा नहीं करते, अब तुम देखो अब तुम। तो तभी वहाँ पर साकुरा का आगमन होता है। साकुरा कहती है, हे तुम यहाँ पर आए हो मुझे सब पता नहीं चला। तो सास्के अपने पिछले यादें याद कर रहा होता है जिसमें वो देखता है कि वो कुनाई से प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसके भैया कहता है कि चलो अब मुझे घर पर जाना है, पर वो उसे प्रैक्टिस करने ही नहीं देते थे। सारदा भी वहाँ पर वही तरह से प्रैक्टिस करती है, तो सास्के उसके साइड में आ जाता है। सारदा कहती है कि हे डैड मुझे परेशान करना बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरा निशाना नहीं लग रहा। तो सारदा वापस से एक बार वो निशाना ट्राई करती है पर उससे नहीं होता। सास्के कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हें होकागे बनना है, वैसे मुझे भी होकागे बनना था पर ये चीज़ मैंने सिर्फ 2-3 लोगों को ही बताई थी। सारदा कहती है, क्या सच में आप भी होकागे बनना चाहते थे? तो सास्के कहता है, हाँ पर मैं कुछ गलत रास्ते पर चला गया था इसलिए मैं वो नहीं बन अगर पाया। तुम नारुतो के साथ रहोगे और उसकी ट्रेनिंग के नीचे काम करोगे तो तुम सच में, मैं कहता हूँ तुम सच में बहुत बड़ी होकागे बनोगी और एक दिन सच में मेरा नाम रोशन करोगी वो फल्ली। सुशारदा कहती है, ओके डैड अब देखो मेरा निशाना। तो जब उसे निशाना एक जो वुडन स्टिक होती है उसके ऊपर मारना होता है, तो अपने शारिंगन ऑन करती है और वो निशाना मारती है, तो वुडन स्टिक टूट जाती है और झरने के नीचे गिरने वाली होती है। तो सास्के अपनी शुरिकेन निकलता है और बड़ी तेजी से फेंकता है, वो शारदा के शुरिकेन को लगता है और शारदा का शुरिकेन सीधा नीचे जाता है और नीचे जाकर वो देखती है तो वो बराबर टारगेट पे लगा होता है। शारदा कहती है, वाओ डैड आप तो कमाल के हो। तो उसके डैड कहते हैं, नहीं वहां पर तो तुम्हारा शुरिकेन लगा। तो आखिरकार हम उस सीन पे आ ही गए हैं जब उसके डैड उसे कुछ ना कहकर आगे बढ़ते हैं। सास्के कहता है, मैंने इतना अच्छा किया पर डैड ने मुझे अच्छा क्यों नहीं कहा, पर उसके डैड कहते हैं, वाह मेरे बच्चे। तो सास्के भी शारदा को यही कहने वाला था पर वो कहता है, नहीं मैं इसे आगे के लिए बचा के रखूंगा। शारदा कहती है, क्या क्या आप मुझे मेरे लिए रोज ये ट्रेनिंग करेंगे? तो सास्के कहता है, नहीं अब मुझे काम है। तो वो इटाची की तरह करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो जा रहा होता है, उन्हें बोरुटो रास्ते में मिलता है। तो सारदा बड़ी खुश होती है, वो बोरुटो से कहती है, बोरुटो देखो मैंने मेरे डैड के साथ बहुत अच्छा काम किया, मुझे मजा आया, तुम भी अपने डैड के साथ थोड़ा सा टाइम बिताते जाओ ना पागल। तो बोरुटो जब घर पर आता है वो देखता है कि उसके डैड बैठे हैं, तो उसके डैड उसे एक जगह पर बुलाते हैं और कहते हैं, ये लो एक प्रेजेंट। तो वो एक टू साइडेड कुनाई होती है जो देखकर बोरुटो कहते हैं, वाओ डैड ये कमाल की चीज़ है। और जब उसके डैड बाहर जा रहे होते हैं तो बोरुटो कहते हैं, डैड रुकिए प्लीज़ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है, बोलो। तो बोरुटो कहता है, क्या आप मेरे साथ कुनाई की ट्रेनिंग करेंगे प्लीज़? नारुतो कहता है, बिल्कुल बेटा मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, चलो ट्रेनिंग करते हैं। वीडियो तो खत्म हो गई है पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और 5000 भी सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो Q&A के लिए क्वेश्चन बना के कमेंट कर दो।